देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी का फिजूल खर्ची पर सख्त निर्देश। उत्तराखंड पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में बैठे उन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं जो एक से ज्यादा विभाग संभाल रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारियों को विभागों की एक से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल न करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक से ज्यादा विभागों का चार संभाल रहे अधिकारी सभी विभागों की गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। ऐसे में राज्य सरकार का यह फैसला काफी अहम हो जाता है, जिसमें अधिकारियों को केवल एक गाड़ी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए विभागों की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसमें विभागों को प्राप्त राजस्व के साथ साथ उन बिंदुओं पर चर्चा भी की जाती है जिसमें राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। ऐसे में राज्य में उसे फिजूल खर्ची को भी रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है जो अनावश्यक रूप से की जा रही है। इसी के तहत सरकार में अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा सीएम धामी ने। देहरादून संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं, और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका चार महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाएगा।